द्वी जगत वर्गीकरण की प्रमुख कमियां लिखे। क्वेश्चन नंबर पांचवा फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है देखो इसको। सबसे पहला पॉइंट है, इसमें एक कोश के एवं बहुकोश के जीवों को एक साथ रखा गया। अब कमी देखिए, एक कोश के जीवों को अलग रखना चाहिए था और बहुकोश के जीवों को अलग रखना चाहिए था, लेकिन ने क्या किया, एक कोश के एवं बहुकोश के जीवों को एक साथ रखा गया। नेक्स्ट, तो इनमें प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक जीवों को एक साथ रखा गया, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग रखा जाना चाहिए था, लेकिन इनने क्या कर दिया है, एक साथ रख दिया है, ठीक है। दूसरा, दूसरी कमी, इसमें प्रकाश संश्लेषण करने वाले एवं नहीं करने वाले जीवों को एक साथ रखा गया, ये भी कमी होगी। प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक तरफ होते और ना करने वाले एक तरफ होते, सब नहीं आ रहा। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण करने वाले एवं नहीं करने वाले जीवों को एक साथ रखा गया है। नेक्स्ट होता है, इस वर्गीकरण में कुछ पौधों जैसे युगलीना को जंतु जगत में रखा, किसमें रख गया है, जंतु जगत में, एवं कुछ जंतुओं जैसे माइकोप्लाज्मा को पादप जगत में रखा गया। माने जो जंतु है तो जंतु जगत में रख देना चाहिए था, लेकिन उसमें कहाँ रख दिया, और पादप के समान जो है उसको कहाँ रखना चाहिए था, पादप जगत में, लेकिन उन्हें कहाँ रख दिया गया, जंतु जगत में रखा है। इसमें विषाणु जीवाणु एवं लाइकेन को कोई स्थान नहीं दिया गया, इस कारण से इनकी ये क्या हो जाती है, कमियां बच जाएगी, सही, ठीक है। और कोई किसी को डाउट हो तो बताओ।